चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। आज 25 जनवरी 2024 को मैं ये क्लास बना रहा हूँ। आप सभी को एडवांस में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कल 26 जनवरी को है। कल हमारी क्लास बंद रहेगी और कल रेस्ट भी रहेगा हमारा एक तरीके से, क्योंकि हमें परसों 1 से 60 तक की जो क्लास है इसका टेस्ट लेना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 भी हो सकते हैं, 30 भी, वो कल देखते हैं कितने रहेंगे। फिलहाल कल की छुट्टी मतलब 26 में छुट्टी रखेंगे और 27 में टेस्ट होगा आपका 1 से 60 तक। ये क्लास नंबर 60 है, एक्सरसाइज 59, और इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो आपके सामने है। ड्यूरेबिलिटी बताया था आपको मैंने, ड्यूरेबिलिटी होती है बच्चों टिकाऊपन। इसका मतलब होता है लंबे समय तक चलेगी वो चीज, तो इसका मतलब यह है ड्यूरेबिलिटी है उसमें। सिनोनियम पूछा है तो एंड्यूरेंस, एक सिनोनियम और अगर आप चाहते हैं तो लॉन्जेविटी बन जाएगा, लंबी उम्र दीर्घ आयु टाइप का। पहले का आंसर तो दूसरा हो गया। फ्रेजिलिटी की अगर बात करेंगे बच्चों तो फ्रेजाइल जो होता है आपको पता होगा, फ्रेजाइल तो ये तो कमजोर होता है ना, छड़ भंगूर। तो ये फ्रेजिलिटी कमजोरी हो गई, तो ये बन जाएगा इसका एंटोनियम। ठीक, कोएर्सियन की अगर बात करेंगे तो ये होता है दबाव, और इसके लिए जो शब्द है हमारा वो ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो ड्यूरेस है, क्योंकि ये होता है दबाव, दबाकर कोई काम करवाना, किसी से प्रेशर डाल के काम करवाना, तो ड्यूरेस कोएर्सियन होता है। ड्यूरेबिलिटी एंड्योरेंस या लॉन्जेविटी, फ्रेजिलिटी कमजोरी होती है, जल्दी से वो चीज टूट जाएगी, तो ये एंटोनियम हो जाएगा। निम्बलनेस की अगर बात करेंगे आप तो निम्बलनेस जो होती है ये होती है तेजी फुर्ती, तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो क्या है बच्चों, एजिलिटी। अगर आप बात करेंगे और सिनोनियम की तो इसका एक सिनोनियम सेलेरिटी भी है, सेलेरिटी। एक शब्द और देता हूं मैं ऐसे ही, एलेक्रिटी। ये सब इसके सिनोनियम है, चपलता तेजी फुर्ती। आंसर पहले का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करेंगे तो मोनोटोनस जो होता है ये होता है उबाऊ या थकाऊ। जब कोई चीज उबाऊ होती है तो उससे थकान भी होती है, तो मोनोटोनस का जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा टेडियस। और सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका बन जाएगा बोरिंग, और चाहिए सिनोनियम आपको तो बन जाएगा अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। ठीक, सिनोनियम हो गया चौथा। अगर हमसे एंटोनियम पूछते तो क्या होता, इंटरेस्टिंग। फर्टाइल का अगर सिनोनियम पूछेंगे तो बन जाएगा प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव। और फर्टाइल का अगर एंटोनियम पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए बैरन। ठीक, डेबोनेयर की अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनियम जो है हमारा वो स्वैब भी है, और इसका सिनोनियम हमारा अर्बेन भी है, और बता दूं मैं आपको ये सिनोनियम है, ये एंटोनियम है। रस्टिक इसकी बात कल हो चुकी है, बार बार इस पर टाइम खराब मत करना, ये एंटोनियम है इसका, देहाती या गांव जैसा। दूसरे का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा, ख़त्म होगा ये। क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करेंगे, सॉरी तीसरे की, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। देखो जब सैनिकों का समूह पूछेंगे तो आंसर आएगा ट्रुप। अब अगर बात आती सोल्जर्स हु फाइट ऑन फूट, इसका मतलब हो गया जो पैदल लड़ते हो, पैदल लड़ते हो। और अगर ये ना होकर के आ जाए ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े की पीठ पे बैठ के लड़ते हो, तो ऐसे सैनिकों का समूह या ऐसी सेना की टुकड़ी या दल जो पैदल लड़ता हो, किसी घुड़सवारी पर ना हो, हाथी पर ना हो, तो बच्चों इन्हें बोलते हैं इन्फेंट्री। और जो घोड़े पर बैठ के लड़ते हैं उन्हें बोलते हैं कैवेलरी। ठीक, अब इस पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर नॉर्मल समूह पूछना सैनिकों का तो ट्रुप। अच्छा ये क्या होता है बच्चों, ये होता है डांसर्स का,
एक्टर्स का, परफॉर्मर्स जो होते हैं उनका अगर समूह होता तो आंसर आता ट्रूप। अच्छा डुएट की अगर बात करेंगे तो ये होता ए सॉन्ग संग बाय टू, ऐसा गाना जिसे दो लोगों ने गाया हो, यानी कि युगल गान। इसकी बात करेंगे अगर तो ए फाइट बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में लड़ी जाने वाली लड़ाई, तो ए फाइट बिटवीन टू ये होता है द्वंद्व युद्ध। ठीक है बच्चों, तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे रिजोइस, कल बताया था मैंने पसंद है मुझे ये सवाल, अच्छा पेपर माता रहता, खुशी मनाना, रिजोइस होता है बच्चों खुशी मनाना। पूछा है एंटोनियम, आंसर लगा दो लेमेंट। डिराइड की हिंदी होती है बच्चों मजाक उड़ाना। जियर, जेस्ट, मॉक, एक नया शब्द दूं आज आपको, टॉन्ट। ये तो हम काफी यूज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी कि टॉन्ट कस रहे हो तुम मेरे ऊपर, टॉन्ट मतलब मजाक बना रहे हो। तो ये सिनोनियम है सब किसके, डिराइड के, मजाक उड़ाना। एपलोड की अगर बात करेंगे तो एपलोड का जो सिनोनियम है हमारा वो प्रेज भी है, तारीफ करना, अडोर भी है तारीफ करना, और आपका जो है यूलोजाइज भी है तारीफ करना। ठीक है सबका ध्यान रखें आप। डैमियर, ये डैमर है, इसकी बात करेंगे तो ये होता है बच्चों ऑब्जेक्ट उठाना, ऑब्जेक्शन करना या अपोज करना या डिसएग्री होना, ये सब सिनोनियम है इसके। तो डैमर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ई नहीं है इसमें, ये बिना ई वाला, तो ये होता है बच्चों ऑब्जेक्ट करना वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट करना, अपोज करना या डिसएग्री करना। चलिए चार का आंसर तीसरा हो गया। अच्छा लेमेंट का अगर एक सिनोनियम और दूं आपको मैं, लेमेंट का सिनोनियम तो मौर्न भी होता, मौर्न ये होता विलाप करना। ये इसका भी एंटोनियम है लेकिन इसका सिनोनियम है। ठीक, चार का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करेंगे, नया शब्द है हल्का सा लेकिन इसलिए मैंने दिया आपको क्योंकि मुझे उम्मीद थोड़ी सी लगी कि कोई बच्चा पहचान ले इससे। वो जो होता ना वो, डब्ल्यू ओ ई, ये तो दुख होता, सोरो, ये नाउन है लेकिन वो भी गॉन पूरा शब्द, अच्छा शब्द है, देखो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट हो। ये होता है बच्चों दुखी, तो इसका जो सिनोनियम ही तो कल करवा दिया था हमने आपको, डिसकॉन्सोलेट। और सिनोनियम चाहिए इसके और उसके भी, तो डिजेक्टेड, ठीक है, या सोरोफुल, डॉलफुल, ये इसके भी सिनोनियम है सब। तो वो भी गॉन, दुखी, डिसकॉन्सोलेट, डिजेक्टेड, सोरोफुल, डॉलफुल, और वो होता तो दुख होता। अच्छा डैमियर आप जानते हैं, डैमियर के लिए एडजेक्टिव है शाई होता है ये, या क्वाइट होता है ये, या कल तो एक बहुत बड़े शब्द दिया मैंने आपको इसके लिए मीक, दब्बू, तो किसी से कुछ ना बोलता हो। ड्रजरी क्या होता है बच्चों, ड्रजरी होते हैं घिसे पिटे काम, बोरिंग से काम, बोरिंग या मोनोटोनस वर्क, जिसमें इंसान को दिल नहीं करता, थक जाता है उसका दिल, थक जाता। अच्छा मेरी जो शब्द है बच्चों वो भी गॉन का एंटोनियम होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो ई वाला मेरी है ये होता है चीयरफुल, प्रसन्न, खुश होता है ये, ए होता तो शादी करना होता। पांचवे का आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा, खत्म हो गया ये। क्वेश्चन नंबर छः की बात करेंगे, डिस्ट्रॉट तो आपको याद है ये क्या होता, चिंतित या परेशान। इसका अगर सिनोनियम पूछते तो वरीड होता, यह होता एंक्शस, ये सिनोनियम है इसके। एक सिनोनियम अपसेट भी है इसका, लेकिन हमसे एंटोनियम पूछा तो सरीन होगा, पता ये क्या होता, पीसफुल, शांत, जिसका मन शांत हो, या रिलैक्स्ड, ये तो कल आया था रिलैक्स्ड एंटोनियम। तो अगर डिस्ट्रॉट का हमसे एंटोनियम पूछा गया है तो हम रिलैक्स्ड भी लगाएंगे, है नहीं इस टाइम, पीसफुल भी लगाएंगे, फिलहाल लगाएंगे सरीन, सरीन होता शांत, काम,
एक सिनोनिम इसका काम भी है। छह का आंसर दूसरा हो जाएगा। पहला जो वरीड है वो सिनोनियम है, डिस्ट्रॉट का एंग्शियस भी, अपसेट भी। विग्ड कल आया था बच्चों, विग्ड होता है दुष्ट, तो ये होता है इलविल, बुरी इच्छा रखे हुए। या करप्ट भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, नोट कर लेना ऐसा। छह का आंसर दूसरा हो जाएगा एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर सात अभी तो पीछे आया था, ये मौर्न विलाप करना। मौर्न क्या है बच्चों? विलाप करना यानी कि शोक जताना, दुख मनाना। शोक जताना, दुख मनाना। सिनोनियम पूछा है तो डेप्लोर, इसका सिनोनियम और इसका भी सिनोनियम एक हो सकता है हमारे पास में लेमेंट, अभी पीछे आया था ये, ठीक। तो मौर्न होता विलाप करना, डेप्लोर या लेमेंट सिनोनियम है दोनों। एंटोनियम पूछ रहा है तो एंटोनियम लगा देंगे एप्लॉड, और इसका एक एंटोनियम और अभी पीछे बात हो चुकी है, रिजोइस, रिजोइस, ठीक, अच्छा लिखा भाई इसमें, ये एंटोनियम है इसका, ध्यान नहीं दिया मैंने। डिप्राइव की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम देंगे हिंदी होती वंचित करना, वंचित करना, उससे वो चीज छीन ली गई है, तो इसके साथ ऑफ आता, ध्यान रखना। इसके लिए बन जाएगा बच्चों डिस्पसेस, डिस्पसेस या डिसइनहेरिट, उसे मिलने वाली थी वो चीज उससे छीन ली, ये इसका मतलब होता। सात का आंसर पहला हो जाएगा, सिनोनियम पूछा इसलिए। क्वेश्चन नंबर आठ एसएससी सीपीओ 26/7/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एग्रेवेट आप जानते हैं ये क्या होता? ये होता है तीव्रता बढ़ाना, लेकिन ये निगेटिव चीजों के लिए आता है, जैसे किसी की तबीयत खराब थी, तबीयत बिगड़ी हुई थी वो, और बारिश में भीग गया तो एग्रेवेट हो जाएगी उसकी स्थिति। या एक जगह पर मुसीबत है पहले से और वहां पे एक और प्राकृतिक आपदा आ जाए, युद्ध छिड़ जाए, लड़ाई हो जाए लोगों में आपस में, तो एग्रेवेट हो जाएगी वहां की स्थिति, इसका मतलब ये होता। सिनोनियम पूछा तो इंटेंसिफाई। अब इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो बच्चों ये होता इफेक्ट। इन्फ्लुएंस क्या होता? इफेक्ट यानी कि प्रभाव, ठीक। अच्छा इलस्ट्रेट की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों एक्सप्लेन विद पिक्चर्स, इसका मतलब होता है तस्वीरों के माध्यम से समझाना, एक्सप्लेन करना कुछ। और इल्यूमिनेट का मतलब भी यही होता है हल्का सा, लेकिन इसमें वो नहीं देंगे एग्जाम्पल में आप पिक्चर वगैरह, एक्सप्लेन होता है। इसका एक मीनिंग और होता है बच्चों, टू ब्राइटन यानी कि चमकाना। तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश डालना, प्रकाश डालना। ये दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं सिनोनियम भी है। आठवें का आंसर पहला हो जाएगा, समझाना इलस्ट्रेट एग्जाम्पल से, चित्रों के माध्यम से इलस्ट्रेट करते हैं उसमें। जैसे मान लो मैं यहीं पे कोई चीज आपको समझाऊं, यही वर्ड पावर समझाऊं और मैं चित्र ले आऊं यहाँ पे, तो मैं उस चीज को फिर इलस्ट्रेट करूंगा मैं, ठीक। चलेंगे आगे, आठवें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ कैटेस्ट्रोफी सिनोनियम पूछा, ये होती है कोई आपदा, मुसीबत, विपत्ति, ठीक है। सिनोनियम पूछा तो कैलेमिटी। एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये होता विस्तार, यानी कि चीजों का फैलना, साम्राज्य का फैलना, किसी बिजनेस का फैलना, नॉलेज का फैलना, ये एक्सपेंशन होता। प्रोस्पेरिटी जो है वो एंटोनियम हो सकता है ऊपर वाले का, क्योंकि ये होती समृद्धि। इसके सिनोनियम में दूंगा आपको, इसका सिनोनियम है एफ्लुएंस, ये सिनोनियम बनता है इसका एक एफ्लुएंस। अच्छा रिस्ट्रेंट की बात करेंगे तो ये होता संयमी, अपने व्यवहार में बहुत बढ़िया कंट्रोल रखे हुए अपने ऊपर, सेल्फ कंट्रोल होता है इसका अपने ऊपर, सिनोनियम बन जाएगा इसका सेल्फ कंट्रोल, अपने नियंत्रण में होता है, ठीक। आंसर नौ का जो है वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्केटर, तो स्केटर का मतलब होता है बच्चों, बताया था मैंने आपको, बिखेरना। अगर इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो डिस्पर्स, इसका सिनोनियम क्या होता है बच्चों? डिस्पर्स।
आंसर हो जाएगा गैदर, क्योंकि हमसे पूछा एंटोनियम और ये एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 को पूछा गया है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो एंटोनियम तो यही होगा ना इसका। अच्छा स्प्रे तो आप जानते ही, स्प्रे मतलब स्प्रे मारना, बोछार करना, बोछार करना कुछ इस टाइप से, ठीक है। लीटर की बात करेंगे, कल आया था गंदगी करना भी होता है और ग्रुप भी होता है, गंदगी करना या ग्रुप इसका मतलब होता है, ठीक। 10 का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। आज की तो क्लास नंबर 60 है हमारी, जिसके बाद कल टेस्ट भी लेना है मुझे, उसका पहला क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों डिफर का मतलब होता है टालना, जो काम होना था उसे आगे टाल दिया। सिनोनियम पूछा है तो एडजॉर्न और सिनोनियम इसके ये रहे, जैसे इसका सिनोनियम पोस्टपोन भी होगा, जैसे इसका सिनोनियम एक फ्रेजल वर्ब होती पुट ऑफ, ये भी होगा। तो एडजॉर्न, एडजॉर्न शब्द भी बहुत बढ़िया बच्चों, ये एडजॉर्न टाल देना, डिले कर देना काम में, ये इसका मतलब होता, इसका एक सिनोनियम डिले भी होगा। चलिए पहले का आंसर पहला। अच्छा एडजॉर्न की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिनोनियम होता है वो रिक्वेस्ट होता है, और जो एब्जॉर होता है वो त्यागना होता, उसका जो सिनोनियम है हमारा वो रिनाउंस होता। अच्छा फिर आता है सर डिनाउंस भी एक शब्द है, ये आलोचना करना होता, इसका सिनोनियम डिक्राई होगा या सेंसर होगा जिसमें यू होता। ठीक डोंट की अगर बात करूंगा तो धमकाना होता है, इसका सिनोनियम बनेगा इंटिमिडेट, यह बन जाएगा ब्रोबीट, यह बन जाएगा बुली, ठीक है। डिग्रेड की अगर बात करूंगा तो इसका मतलब होता है नीचा दिखाना, इसके अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो एक तो बनेगा डीबेस और एक बन जाएगा बी लिटिल। चलिए पहले का आंसर पहला हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना इसका सिनोनियम पोस्टपोन पुट ऑफ डिले एडजॉर्न। अच्छा एडजॉर्न से एक शब्द याद आया मुझे, याद तो होगा आपको, ये एडजॉइनिंग समीप बराबर क्या था इसका, एडजेसेंट या कॉन्टिग्यूअस, पुराना याद है एंटोनियम रिमोट होता था इसका। चलो काफी होगा इसके अंदर, ठीक है पहले का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा डेसिफर, इसका मतलब होता है अर्थ निकालना, अर्थ निकालना। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी अंक लिखा, जैसा हमने लिखा मान लो 9, फिर लिखा हमने 12, फिर लिखा 13, फिर लिखा 1 या कुछ और कर दिया हमने, जैसे हमने लिख दिया आपका यहाँ पे जो है 9, फिर कर दिया 13, फिर कर दिया 9, फिर कर दिया 19, फिर कर दिया 25, फिर कर दिया हमने 15 और फिर कर दिया हमने कुछ भी और करके। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने बातें की हैं ये कोड में कुछ भी लिख देंगे हम कहीं पे भी, तो कोड जब खोलेंगे हम कुछ भी निकालेंगे कोड को, तो वो जो कोड को डिकोड करना होता है उसी को बोलते हैं डेसिफर। तो डेसिफर का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थ निकालना, किसी दी गई बात के अंदर से मीनिंग निकालना, तो ये बन जाएगा। तो डेसिफर का जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा बच्चों, जैसे कि हमारा डिकोड करना, डिकोड। अगर बात करें इस टाइम सिनोनियम की तो इंटरप्रेट, और एंटोनियम की बात करेंगे तो बनेगा बच्चों हमारा कंफ्यूज, इसमें समझते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉन्ट की अगर बात करेंगे आप तो अभी पीछे बताया था मैंने आपको मॉक मजाक उड़ाना, जियर डिराइड ये सब बन जाएंगे। दूसरे का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। अगर बात करें बीमॉन की तो ये अभी थोड़ी देर पहले आपने करा है विलाप करना, लेमेंट ये सिनोनियम है इसके, ठीक है। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा, डिकोड जरूर सिनोनियम ध्यान रखना आप इसका, दूसरे का दूसरा। फिर आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट,
तो बच्चों डिस्क्रीट जो होता है ये सावधान और विचारशील होता है, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं समझदार। तो अगर हमसे सिनोनियम पूछा है इस टाइम तो प्रूडेंट बनेगा, प्रूडेंट समझदार होता है बच्चों। अगर बात करें कैंटेंकरस की तो ये हो गया झगड़ालू, इसका सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो क्वारलसम। ठीक, कॉनंड्रम, कॉनंड्रम होती है पहेली यानी कि पजल, रिडल या प्रॉब्लम। डिलीटीरियस की अगर मैं बात करूं तो डिलीटीरियस होता है बच्चों हानिकारक यानी कि हार्मफुल। अगर इसके एंटोनियम की बात करो मुझसे आप, क्योंकि ये तो सिनोनियम है, तो एंटोनियम होता है इसका कॉन्ड्यूसिव, लाभप्रद। तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा, बढ़िया शब्द है ये, डिस्क्रीट समझदार। डायनेमिक होता है बच्चों ऊर्जावान, ऊर्जावान। सिनोनियम पूछते ना अगर तो स्पिरिटेड भी होता, सिनोनियम पूछते तो जेस्टफुल भी होता, सिनोनियम पूछते तो एनर्जेटिक भी होता। बताओ बच्चों होता या नहीं होता, सब होते सिनोनियम इसके। लेकिन एंटोनियम पूछा है चूंकि, तो आंसर होगा हाफ हार्टेड, क्योंकि ये हो गया बच्चों मायूसी से, मायूस आधा अधूरा दिल लगा करके काम को करना। और डेक्स्ट्रस की अगर बात करेंगे सिनोनियम में तो ये दक्ष होता, कुशल। तो इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा, एड्रॉइट। इसका सिनोनियम बनेगा स्किलफुल, नोट कर लेंगे इसे। अच्छा एडेप्ट भी बन जाएगा ई वाला, और भी बहुत सारे बन जाएंगे। चार का आंसर तीसरा हो जाएगा बच्चों, एंटोनियम पूछा ना इसलिए, वरना सिनोनियम तो स्पिरिटेड भी है, जेस्टफुल भी है, एनर्जेटिक भी है। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करेंगे डिलिबरेट, तो ये होता है जानबूझकर। डिलिबरेट में जो है वो चीजें जानबूझकर होती है। तो सिनोनियम पूछते तो क्या होता, इंटेंशनल, इंटेंशन इरादा, इंटेंशनल इरादतन। लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम तो हम क्या लगा देंगे इसका, इंटेंशनल। चलिए अब बात करें डोलफुल की, तो ये उदास होता है, सोरोफुल। अब तो मैं वो भी लिखूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, वो भी गॉन, ताकि आपको याद हो जाए। डिजेक्टेड, सैड, सब सिनोनियम है। कौन सेंगवाइन आया था पीछे भी, ऑफ सेम काइंड, एक जैसा, यानी कि इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो होमोजेनुअस भी बन जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही ब्लड से चीजें होती हैं, एक ही वंश से चल रही होती है चीजें, कौन सेंगवाइन। अच्छा अगर सिर्फ सेंगवाइन पूछते मुझसे, सेंगवाइन सिर्फ, तो ये क्या होता, होपफुल, आशावान सिनोनियम, ये तो पता है आपको। पांचवें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छह की अगर मैं बात करूं तो अच्छा सवाल है, देख लो। He claimed that, उसने ये दावा करा कि he had been blank his rights, बच्चों rights होते हैं अधिकार। तो किसी को उम्मीद है मुझे अधिकारों का शौक तो नहीं होगा, आती फॉन्ड के साथ ऑफ है, लेकिन फॉन्ड ऑफ शौक होता है, म्यूजिक का शौक, किताबों का शौक, किसी घूमने फिरने का शौक, ये तो आएगा नहीं। abided को लेके चला गया बाई, और मीनिंग भी इसका अच्छा नहीं है। उसने दावा किया कि उसे, क्योंकि पैसिव बनेगा जब थर्ड फॉर्म बनना ही, तो उसने दावा किया कि उसे अधिकारों से पालन किया गया, मजा नहीं आ रहा थोड़ा सा। अब बच्चों आंसर ये भी है और ये भी है, ये होता मजाक उड़ाना। वैसे इसके साथ में प्रीपोजिशन आती नहीं है, और अगर आती भी तो मीनिंग नहीं बनेगा बच्चों। आंसर तो आप पहले से जानते होंगे, डिप्राइव का मतलब होता वंचित करना, ये तो इसका आंसर ऑफ भी लेता आपने साथ में ये। तो भैया उसने दावा करी, उसने ये कहा बाद में कि उसे अधिकारों से वंचित रखा गया था, अधिकार नहीं दिए गए उसे, वंचित कर दिया उससे, आंसर चौथा है। फिर क्वेश्चन नंबर सात की बात करेंगे तो योर डाइट इज इन आयरन। बच्चों देखो डाइट है, खाना पीना है, या किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटीज हो सकती है, जैसे योर ब्रदर इज और ब्लैंक, इन इंटेलिजेंस, इन विजडम, इन ब्रेवरी, तो इस चीज की कमी है उसके अंदर, तो कमी को जो समझाएंगे हम वो ये तो आएगा नहीं बच्चों, ये तो निर्भर होना हो गया। और वैसे भी इसके साथ ऑन आती है,
डिफेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि डिफेक्टिव का मतलब होता है ख़राब, जिसमें कोई कमी हो, ख़राब जैसे कोई जैकेट, कोई शूज़ वगैरह डिफेक्टिव होते हैं। अब ये दोनों बचे बच्चों, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये इस जो है इसके बाद में यहाँ जो चीज़ आएगी, सोचो आराम से। तो योर डाइट इज डेफिशिएंसी इन आयरन नहीं होगा, आंसर होगा डेफिशिएंट इन आयरन। ये कब आता बच्चों, जैसे ये आता योर, यही सवाल ऊपर दोबारा लिख रहा हूँ, डाइट हैज, अब रखने की बात आ गई, और इन आयरन, अब बच्चों नाउन आएगा यहाँ पे डेफिशिएंसी। तो तुम्हारे खाना रखता है आयरन की कमी, और ऊपर वाले का मीनिंग है तुम्हारे खाने में, भोजन में, डाइट में आयरन की कमी है, तो एडजेक्टिव चाहिए हमें। तो बी के बाद क्या चाहिए था यहाँ पे, एडजेक्टिव। आंसर हो गया हमारा तीसरा वाला, और अगर नाउन पूछते तो ये होता आंसर तीसरा। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ रिच भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर एंटोनियम बन जाएगा, रिच इन होता, तुम्हारे भोजन में इस चीज़ की अधिकता है। तो जब किसी चीज़ में प्रोटीन की, विटामिन की, कार्ब्स की, या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, या आयरन या कुछ और की कमी या अधिकता दिखानी हो, तो दो शब्द, कमी में डेफिशिएंट है वो चीज़ इन आएगा, और आयरन सॉरी रिच इन वो चीज़ ज़्यादा है फिर उसके अंदर। सातवें का आंसर बच्चों तीसरा हो जाएगा। एपिलॉग बच्चों, ये जो लॉग है ना, ये भाषण को दिखाता, भाषण या बातें जो होती है हमारे मुँह से निकलने वाली, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब ई है तो एंड में, तो ये होता अंतिम या अंत में भाषण। जैसा आपने कोई किताब लिखी, अब किताब आपने ख़त्म कर दी, लास्ट पेज पे आप शुक्रिया या कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, तो वो जो शब्द लिखेंगे आप बाद में पूरा, या कहीं पर कोई नाटक चल रहा था, नाटक ख़त्म होने के बाद में फिर उसकी बारे में थोड़ी सी बातें या शुक्रिया वगैरह कहा जाए किसी ऑडियंस सॉरी किसी स्पीकर के द्वारा, तो वो जो भाषण होगा वो कहलाता एपिलॉग। तो बच्चों ये होता ए स्पीच एडेड, एक भाषण जो जोड़ा गया था टू द एंड ऑफ द प्ले या बुक, आंसर पहला है। अच्छा अगर बात करेंगे ए स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस, ये शुरुआत करना हो गया, उल्टा है इसका ये, अगर शुरुआत में हो कोई भाषण किताब के शुरू में पहले पेज पे लिखा हो तो प्रलोग होता, और लास्ट में लिखा हो तो एपिलॉग होता। देखो इसमें भी लोग आ गया, और पी फोर पहले, ई फोर एंड अंत में, तो शुरू में भाषण तो प्रलोग, और अंत में भाषण तो एपिलॉग। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए पिक्चर पीस ऑफ राइटिंग ईटीसी, अगर एक तस्वीर है उसकी सेम बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल एकदम आप पहचान भी नहीं पाओगे कि यह रियल कौन सी और डुप्लीकेट कौन सी, ये कलर वगैरह सब सेम है उसके, इसे बोलते हैं बच्चों फैक्सिमिली। फैक्सिमिली प्रतिरूप। एक बात और, इसका सिनोनियम ध्यान रखना जीरोक्स होता है इसका सिनोनियम, खत्म हो गया ये। ए पर्सन हैविंग, ये बहुत बढ़िया, ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ऐसा ही जैसे किसी दूसरे का नाम हो, जैसे मान लो मैं हूँ अजीम और मेरी क्लास में कोई अजीम है, तो हम दोनों एक दूसरे के नेम सेक हैं, या कोई भी नाम जो आपके दिमाग में आ रहा हो, रेखा हो, दीक्षा हो, इल्मा हो, नाजिया हो, शादिया हो, या सदफ हो, कुछ भी, मतलब बहुत सारे नाम, या रिजवान या नदीम या सौरभ, अब उस जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति है अगर, तो बच्चों वो जो नाम है दूसरे का वो नेम सेक है उसका, इसे बोलते हैं नेम सेक, हम नाम, इसकी हिंदी होती हम नाम, तो आपके नाम की तरह कोई होता तो उसे बोल दिया करो नेम सेक है वो आपका, हम नाम है वो आपका, ठीक है। आंसर आठवें का जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ की अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब तो हो गया आपत्ति जताना, आपत्ति जताना, आंसर तो हो गया हमारा तीसरा बच्चों, ईडियम है ये आंसर है, और ये क्या है ईडियम। तो टेक एक्सेप्शन होता है ऑब्जेक्शन उठाना। अच्छा होल्ड वन्स टंग, अगर मैं जीप पकड़ लूं अपनी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो इसका मतलब ये होता है टू बी साइलेंट, चुप हो जाना, टू बी साइलेंट, चुप हो जाना, कीप क्वाइट। गिव ए फ्री हैंड, ये होती कंप्लीट लिबर्टी, पूरी स्वतंत्रता देना, अगर इसमें गिव भी नहीं होगा ना, गिव फ्री हैंड होगा तब भी ये आंसर है इसका, ठीक है। तो कंप्लीट लिबर्टी, काम करने की पूरी स्वतंत्रता। और ईट वंस सॉल्ट, इसका मतलब होता है मेहमान बन के जाना किसी के घर पे, टू बी वंस और गेस्ट, ये ईडियम चल रही है आपके लिए। नो का आंसर तीसरा हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है कर देंगे सही, डिसीव। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये वर्ब होती है धोखा देना,
एक शब्द और है डिसिट, कभी किसी जगह मिल जाए आपको लगाने को, ये नाउन है, ये धोखा होता है, ये नाउन है बच्चों, नाउन वर्ब का खेल हो सकता है आपके साथ में क्लोज टेस्ट वगैरह में, और ये क्या होता है, धोखा देना। चलिए ये सही हो गई। ओकेजन गलत है, ओकेजन में होता है OCCASION, सिंगल एस होता। सक्सेशन गलत है, SUCCESION, आंसर है मेमोरियल। चलिए बाकी बातें आपसे परसों होंगी, अब कल छुट्टी है आपकी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।